Hey guys, once again welcome back to my YouTube channel Medicure Buddy. In today's video we will be discussing a very important topic jo ki FMT ke examination mein most frequently pucha jata hai as a short note type question and that is judicial hanging. ठीक है, ज्यूडिशियल हैंगिंग क्या होती है? ज्यूडिशियल जो टर्म है वो आप समझ सकते हो कि इट विल बी रिलेटेड टू कोर्ट और ज्यूडिशियरी. ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर लिखा हुआ है दैट इन केस ऑफ ज्यूडिशियल हैंगिंग द लाइगेचर इज लूप्ड अराउंड द नेक विथ नॉट अंडर द चिन सब मेंटल बट सब ऑरल दैट मीन्स बिलो द ऑरिकल द नॉट इज ऑल्सो यूज. ठीक है, तो बेसिकली ज्यूडिशियल हैंगिंग में मतलब अगर किसी को फांसी की सजा सुनाई जाती है तो उस कंडीशन में जो नॉट होता है, ठीक है, उसको कहाँ रखा जाता है? इट इज लूप्ड अराउंड या तो चिन सब मेंटल एरिया में, ठीक है, या फिर सब ऑरल दैट मीन्स बिलो द ऑरिकल. द ड्रॉप इज एट लीस्ट एट द हाइट ऑफ द पर्सन, मतलब जहां से पर्सन को हैंग किया जाता है, ठीक है, वो हाइट क्या होती है? वो लगभग पर्सन के हाइट जैसी होती है और हाइट जितनी होती है दैट मीन्स अराउंड 5 to 7 feet एंड डिपेंडिंग अपॉन द वेट ऑफ द पर्सन. ठीक है, एंड द हैंगिंग इज कंप्लीट. कंप्लीट हैंगिंग मैंने ऑलरेडी हैंगिंग के ऊपर वीडियो बनाया हुआ है. मैंने 20 मार्क्स के जितने भी FMT में क्वेश्चंस आते हैं उन सबको एक प्लेलिस्ट के फॉर्म में सारे को इकट्ठा करके प्लेलिस्ट सेक्शन में मेडिक्योर बॉडी के रखा है, तो प्लीज 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 उसे विजिट करिएगा अगर आपके एग्जामिनेशंस आने वाले हैं, बिकॉज यू विल फाइंड मेनी यूजफुल इंफॉर्मेशंस देयर. ठीक है, तो हैंगिंग बेसिकली कंप्लीट हैंगिंग अगर हम रिवाइज करें तो पर्सन का बिल्कुल भी कॉन्टैक्ट ग्राउंड से नहीं रहता है. ठीक है, द लाइगेचर अराउंड द नेक कॉजेज अ फोर्सफुल जर्किंग इम्पैक्ट ऑन द नेक एट द एंड ऑफ द फॉल. ठीक है, जब पर्सन को लटकाया जाता है फांसी पे तो पर्सन का जो नेक है उसको जर्की इम्पैक्ट मिलता है पर्सन के वेट की वजह से. ठीक है, और इसकी वजह से एक फ्रैक्चर हो जाता है सर्वाइकल कॉलम में जो कि ज्यादातर C2 या फिर C3 में होता है, रेयरली C3 या C4 वर्टिब्री में होता है और जिसको हम हैंगमैन फ्रैक्चर कहते हैं. नाउ फ्रेंड्स, हैंगमैन फ्रैक्चर इज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट कुड बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन, सो बी प्रिपेयर्ड. हैंगमैन फ्रैक्चर कहाँ मिलता है? हैंगमैन फ्रैक्चर हमें ज्यूडिशियल हैंगिंग में मिलता है जब जो सर्वाइकल वर्टिब्री है दैट इज C2 एंड C3 वो क्या हो जाते हैं? फ्रैक्चर हो जाते हैं ड्यू टू ज्यूडिशियल हैंगिंग. ठीक है, तो ये पॉइंट, ये क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है. इन ज्यूडिशियल हैंगिंग ओडोन्टोइड प्रोसेस इज यूजुअली नॉट फ्रैक्चर्ड. ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि इसमें जो ओडोन्टोइड प्रोसेस है दैट इज नॉट फ्रैक्चर्ड. ठीक है, यहाँ पे देखिए ये स्टेटमेंट, सॉरी ये फिगर बना हुआ है जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से C1 और C2 का कॉन्टैक्ट जो है वो लॉस हो गया है ड्यू टू फ्रैक्चर विच इज नोन एज हैंगमैन फ्रैक्चर. ठीक है, सो फ्रेंड्स दिस इज इट फॉर टुडेज सेशन इन विच वी हैव डिस्कस्ड ज्यूडिशियल हैंगिंग जो कि शॉर्ट नोट का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी के एग्जामिनेशन का. In the next video, we will be discussing strangulation. So if you do not want to miss it, please subscribe to Medicure Buddy and hit the bell icon so that you never miss any updates. Thank you.